ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ 40% ಕಮಿಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे. आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा. पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं. देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है. कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं. और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा. और वो किसी भी स्टेज में कर्नाटक में, क्या हिंदुस्तान में ये भाषण नहीं दे सकते. आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है. बीजेपी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर 2-3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है. वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है. गरीबों से पैसा लो और 2-3-4 उद्योगपतियों को पैसा दे दो, ये उनका सिस्टम है. तरीका क्या है? तरीका देश को बांटने का है, देश को लड़ाने का है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं. एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है. हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी जो सच्चे मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको. न्यूज़ फर्स्ट प्रतीक्षणा न्यू दिगे.